ओके बेटा, नाउ कमिंग कि अगर हमें किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी अगर हमने फाइंड करनी, तो हाउ वुड वी डू दिस? तो बेटा हम ना एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से ये वो सॉलिड है। अच्छा, सॉलिड की अगर हमें हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? फॉर्मूले में देखें, क्यू एम और डेल्टा थीटा। अच्छा, उसका जो मास है, हम एम कैसे फाइंड कर लेंगे? तो एम हम फाइंड कर लेंगे किसी भी बैलेंस से, और बेस्ट क्या होता है लैब में, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास आ गया। अच्छा, अब हम उसका ये इलेक्ट्रिकल हीटर उससे कहाँ रखेंगे, कैसे हीटअप करें? अगर हम नीचे से हीटअप कर रहे हो तो नीचे वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं। साइड से करें, कहाँ से करें, टॉप से करें तो ऊपर वाला। तो अगर हम चाहते हैं ना कि वो यूनिफॉर्मली हीटअप हो, तो हम पता क्या कर लेते हैं, उसके अंदर एक ना छोटी सी टनल बना लेते हैं। अच्छा, ये जो टनल है मेरे बताने में आपको अभी कुछ शायद इसका आइडिया समझाने के लिए, जैसे आपके पास एक प्रेशरिंग केक है, तो आप ना सेंटर में एक कैंडल डालो और निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, कैंडल की जगह पे क्या बन जाएगी, टनल बन जाएगी। तो कंसीडर करें ये टनल है जिसके अंदर आपने उस हीटर को इमर्स किया हुआ, ये हीटर के सिंबल बनाने की कोशिश की है। अच्छा, ये मैं आउटर स्ट्रक्चर जो हीटर का वो बार बार अब नहीं बनाऊं, तो उसमें आप हीटर को ना रख देते हो, तो सेंटर से गर्म करोगे तो इक्वली हर तरफ हीट जाएगी। अच्छा, तो ये हीट का प्रॉब्लम सोल्व हो गया हीटर से। हीटर क्या बताएगा, वैल्यू क्यू की बाय यूजिंग फार्मूला वी आई टी या पी इंटू टी। मैथ का प्रॉब्लम बैलेंस ने कर दिया। अच्छा, डेल्टा थीटा भी तो चाहिए ना फॉर्मूले में, तो डेल्टा थीटा आप कैसे करोगे बेटा, वो आप थर्मोमीटर से, तो थर्मोमीटर किधर रखोगे? फिर वही बात कि अगर हम ऊपर से मेजर करें, एक सॉलिड का थर्मोमीटर कैसे, उसके लिए वैसे बेस्ट ऑप्शन होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या थर्मोकपल, ठीक है, लेकिन हम ग्लास थर्मोमीटर भी यूज कर सकते हैं, जो भी थर्मोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, उस थर्मोमीटर को हम यहाँ सेंटर में रख लेंगे, ठीक है, दिस इज थर्मोमीटर। क्लियर बेटा जी? थर्मोमीटर से हम क्या करेंगे कि जब हम हीटर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग टेम्परेचर को ले लेंगे थीटा वन, और जब हम ऑफ करेंगे तो उस टेम्परेचर को वी विल मेजर एज थीटा टू। टेम्परेचर में एग्जाम में रखेंगे कि टेम्परेचर एकदम मेजर नहीं करते, जैसे डॉक्टर थर्मोमीटर रखता नहीं, कुछ देर दे रखने देता है, राइट, अगर लिक्विड है तो वो खास तौर पर, कि वो क्विक नहीं होता। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर अलबत्ता बहुत क्विक होता है, ये हमने क्विक होना ना होना ये हमने पीछे डिस्कस थर्मोमीटर्स में किया है। क्विकेस्ट इज द थर्मोकपल, लेकिन जो क्विकेस्ट होता है जल्दी में वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। अच्छा, ये थीटा टू माइनस थीटा वन इज गोइंग टू गिव यू, तो आपने टेम्परेचर जब आपने ना जब आपने हीटर स्टार्ट किया उस वक्त टेम्परेचर नोट कर लिया, या स्टार्ट करने से पहले वो थीटा वन है, तो आपने थर्मोमीटर को थोड़ी देर रहने देना है, और जब आप थर्मोमीटर हीटर को ऑफ करोगे तो ये याद रखना तब भी थर्मोमीटर रीडिंग एकदम ही लेनी, जैसे डॉक्टर भी थोड़ी देर रखते हैं ना, तो आपने उसकी रीडिंग को स्टेबल होने देना, कि अभी हो सकता है वो इंक्रीज कर रहा हो, तो आपने कुछ सेकेंड वेट करना है। तो इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस विल टेल यू डेल्टा थीटा। तो मेरे ख्याल में सारी वैल्यूज हो गई, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड। लेकिन ये हीटर और थर्मोमीटर हमने जहां टनल में रखा हुआ है ना, वहां पर थोड़ा सा बीच में गैप है, एयर है, तो एयर इज वेरी गुड इंसुलेटर। तो रियलिटी में हीट एयर खुद लेकर राइज कर जाएगी,
और वो हीट पूरी तरह सॉलिड को जरूरी नहीं है कि मिले। और जहां थर्मोमीटर भी रखा हुआ है तो बीच में एयर है, अगर थर्मोमीटर हम ना रखें, थर्मोमीटर को टच कर दें, अगर ग्लास का थर्मोमीटर है तो मेटल जरा सी ज्यादा हीटअप हुई तो ग्लास क्रैक कर जाएगा थर्मोमीटर, और हीट जो एयर भी साथ अपने ले जाएगी वो हीट लॉस भी है। तो इस एयर जो हीट लॉस है इसको अगर हमने अवॉइड करना है तो उसका मेथड ये है कि हम ना यहाँ एक कोई ऑयल फिल कर दे बीच में दोनों में। ऑयल क्यों भाई? पहले मुझे बताओ कि हम खाना फ्राई करते हैं पकाते हैं तो ऑयल में क्यों करते हैं? ऑयल जल्दी हीटअप हो जाता है। पानी में भी अंडा फ्राई होता है, कभी सुने ना आप लोगों ने? उसमें कितनी देर लगती है ये पता है? कितनी देर लगती है एक अंडे को? बहुत देर लगती है। तो उधर दूसरे ऑयल में ऐसे डालते हो तो मिनट से भी पहले वो फ्राई होकर रेडी हो जाता है। तो ना ऑयल जल्दी हीटअप कर लेते, उनकी हीट कैपेसिटी लो होती, वो जल्दी हीटअप होकर खाने को भी जल्दी हीट पहुंचा देते, खुद गर्म होंगे तो उसमें मौजूद खाना भी हीटअप हो जाएगा। तो उसका ना इस हीट लॉस को बचाने के लिए ना हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम ना बीच में एक ऑयल ऐड कर दें। लेकिन जो ऑयल हम ऐड कर रहे हैं उसमें हमें उसका मास भी पता होना चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए, एक उसका मास, उसे MO कह लेते हैं, और वो जो ऑयल हो उसकी हमें स्पेसिफिक कैपेसिटी भी क्या हो बिल्कुल पता हो। अच्छा, इससे पहले वाली जो चीजें मैं ओ लेवल की डिस्कस कर रहा था ये पॉइंट आपने फोकस रखना। तो हम क्या करेंगे, अब जो हीटर हीट देगा वो सिर्फ सॉलिड को नहीं मिलेगी, वो ऑयल को भी मिलेगी। तो मींस हीटर जो हीट प्रोवाइड कर रहा था, H4 हीटर, वो सॉलिड में भी जा रही है प्लस ऑयल में भी जा रही है। तो आप बजाय उधर माइनस करके इधर ही ऐड कर दो। अच्छा, हीटर जो हीट प्रोवाइड कर रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, VIT या P×T? अच्छा, सॉलिड को हीट मिल रही है तो फॉर्मूला C=Q/m∆θ है ना, Q का फॉर्मूला इससे क्या आएगा, MC∆θ। तो MC∆θ सॉलिड के लिए, तो सबके साथ एस एस लिख दिया, हमने फाइंड क्या करना है ये, प्लस ऑयल के लिए भी हो जाएगा MC∆θ, लेकिन ऑयल के लिए क्या करेंगे बेटा सबके साथ ओ। अच्छा, डेल्टा थीटा के साथ ओ लगाने की जरूरत नहीं है ना एस लगाने की जरूरत है, क्यों? जब दो चीजें जुड़ी हो ना तो उनका चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। तो बेटा इसमें हीटर इज गोइंग टू गिव अस VIT और ये सॉलिड का मास है, थर्मोमीटर डेल्टा थीटा इधर भी देगा इधर भी, और ये हमें ऑयल वो लिया था जिसकी हीट कैपेसिटी इज नोन। तो बेटा देन वी कैन यूजिंग दिस फॉर्मूला हम CS को सब्जेक्ट बना सकते हैं, आपकी मर्जी अभी बना लो या हम बाद में फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर अ सॉलिड। अच्छा, अब अगर हमने यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है किसी लिक्विड की या गैस की, तो फॉर लिक्विड और अ गैस ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेटेंट हीट के एक्सपेरिमेंट है, ये अभी हो जाएगा, जो अगला होगा ना वो दोनों ज्यादा टेक्निकल है। अच्छा, लिक्विड या गैस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, उसके लिए हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें जो लिक्विड है या गैस है हम उसको डाल सकें। अच्छा, लिक्विड का मास कैसे फाइंड करेंगे, लिक्विड के मास के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर रखेंगे। तो एक मरतबा हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जोन से है ना वो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक मरतबा ये जो कंटेनर रखा है हमने जिसमें
जिसमें हमने लिक्विड फिल करना है या जो भी गैस फिल करनी है, चॉइसेस योर। लिक्विड तो हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, गैस हमेशा पूरा वॉल्यूम कवर कर लेगी। तो ये जो ब्राउन सा मैं शेड कर रहा हूँ, समझे, ये लिक्विड है या गैस है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जब ये खाली कंटेनर होगा एम्प्टी, तो उस वक्त इसकी रीडिंग लेंगे, मास नोट करेंगे, दैट विल बी टेकन टू बी M1। अरे फिर जब इसको फिल कर लें, जी क्या कर लें, जब फिल करेंगे तो मास M2। तो जो हमने फॉर्मूला, हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा थीटा, राइट। तो बेटा जो M होगा वो क्या होगा, हमें M चाहिए ना, तो M2 माइनस M1। अच्छा, अब ना यहाँ पर बाकी चीजें चाहिए, Q और डेल्टा थीटा। तो हम ना एक कंटेनर को, मैंने जानबूझ कर ये ऊपर से बंद वाला कंटेनर लिया, ये बेटर है, क्योंकि अगर कुछ लिक्विड होते हैं तो वो उड़ भी जाते हैं, तो मास कम होता जाएगा और गैसेस तो मोस्टली उड़ी आएंगी। तो हम लिक्विड और गैस के लिए प्रेफरेबल है कि हम ऐसा कंटेनर लें जो ऊपर से बंद हो, बस उसपे हीटर और थर्मोमीटर के लिए गैप बना हो ऊपर से। वो तो ऊपर हमारे पास कोई लिड है, ठीक है, कैप्ड है, तो ऊपर से हमने ये थर्मोमीटर ऐड कर दिया, तो ये सॉरी हीटर है, और साथ ही हमने थर्मोमीटर भी ऐड कर दिया। लिक्विड के लिए थर्मोमीटर वॉल्स को और बॉटम को टच नहीं होना चाहिए, वरना टेम्परेचर नहीं होता। एक स्टिरर भी होना चाहिए वैसे, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि जब भी हम लिक्विड का टेम्परेचर लेते हैं तो हॉट लिक्विड ऊपर होता है और कोल्ड लिक्विड जो उनसा होता है वो नीचे होता है। तो हम एक स्टिरर ले लें जिससे हम हिलाकर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कर लें। तो बेटा वो पता क्या, थर्मोमीटर जब भी टेम्परेचर आपने मेजर करना है ना, तो आपने पहले हिला लेना है, फिर कुछ सेकंड वेट करके टेम्परेचर नोट करना है। और जब आप हीटर को ऑफ करोगे, यानी हीट कर लिया, उसके बाद भी आप एक मरतबा, हम ना परफेक्ट कभी भी नहीं होंगे फॉर ओवर इंफॉर्मेशन, ये सब हम करने से क्या होंगे, एक्यूरेट होते जाएंगे, लेकिन परफेक्ट हम रियलिटी में नहीं होते। अच्छा, अब ना इसमें हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, अच्छा इसमें अब हमारे पास एम आ गया, थर्मोमीटर विल टेल अस द चेंज इन टेम्परेचर, वैसे ही थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है, और हीटर विल गिव अस द हीट बाय यूजिंग VIT। वो अब मैंने ना हीटर का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया यहाँ भी, ये मैं हर मरतबा नहीं बनाऊंगा, हीटर का मेन स्ट्रक्चर वही है, ये वाला, ये याद रखना जो यहाँ बना हुआ, ठीक है, क्लियर। तो मैं हीटर का बस वो आपको जो इंटरनल पार्ट हमने डालना है बीच में वो ही बना देता हूँ। तो बेटा इस तरह हमारे पास क्यू एम और डेल्टा थीटा तीनों आ जाएंगे। अब इसमें हीट लॉस होगा सराउंडिंग में, क्लियर। तो उसके लिए, लॉस के लिए बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंसुलेशन कर सकते हैं इसकी। तो ये दिस इज इंसुलेशन। लेकिन अब ना यहाँ एक और इश्यू भी है कि जब हम किसी इंसुलेटर, किसी लिक्विड को या गैस को हीटअप करेंगे, तो जो कंटेनर जिसके अंदर हमने उसे डाला था वो भी क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें कि जिस कंटेनर में हमने उसे रखा था, कंटेनर नजर ही नहीं आ रहा, एक मिनट मुझे दीजिएगा, बस जज्बाती हो गया ये, ओके, अब कंटेनर नजर आ रहा है। तो इंसुलेशन थोड़ी सी ना हम लाइटर कलर ही अपनी तरफ से लिया था, चलो इंसुलेशन जो उनसे है ना वो हम साइड पे, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये इंसुलेशन बनाने की कोशिश की। अच्छा, अब पता क्या, कंटेनर भी हीटअप होगा, तो अब उसका क्या सोल्यूशन होगा,
तो अगर आपने कभी लैब में एक नहीं किया होता, ओ लेवल में नहीं करवाते हैं, ए लेवल में भी नहीं करवाते, एक्सपेरिमेंट थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसमें मिस्टेक्स पड़ी होती, तो अगर आपको लैब में कभी दोबारा इत्तफाक मिले, तुम्हारे ओ लेवल की जेपीसी में पड़ा हुआ है लैब में, वहां पर मैंने करवाया था ओ लेवल में एक मर्दों, तो वहां ना कॉपर के बर्तन, उसे कैलोरी मीटर कहते हैं, एक बॉक्स वो वुडन होता है, उसके अंदर वो कॉपर का वो रखा होता है, तो उसका एक प्रॉपर नॉन मैस होता है और कॉपर की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो अगर हम उस कंटेनर को जो सा होता है वो काउंट करें, लाइक कि जो हीटर हीट देगा वो हमारे फ्लूइड पे भी जा रही है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड और प्लस उस हीट का कुछ पार्ट जो है वो कंटेनर में भी जा रहा है, तो हीटर जो हीट दे रहा है उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, VIT है या पावर इनटू टाइम। फ्लूइड को जो मिल रही है वो MC डेल्टा थीटा, जो फ्लूइड लिक्विड या गैस है तो F लगा देते हैं उसके लिए, और एक्चुअली ये हमने फाइंड करना है। प्लस जो कंटेनर है उसके लिए MC डेल्टा थीटा, तो बेटा कंटेनर का मास हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हमने MP कहा था ना जो M1, तो वो कंटेनर का मास ही है, ठीक है बेटा। उसमें ये है कि फिर वही बात आ जाए कि रियल में क्या आपका जो कप है नॉर्मल लाइफ में, अच्छे कंटेनर नहीं होते क्या, वो हीटअप नहीं होते, कर सकते हो, वो भी एक एक प्रिकॉशन ही है ना, तो ये भी एक राइट, दिस इज अ बेटर वे कि हम परफेक्टली नहीं रोक सकते हीट फ्लो को, हीट लॉस को कंप्लीटली नहीं रोक सकते, ठीक है। अच्छा डेल्टा थीटा याद रखें दोनों का सेम, जब भी दो ऑब्जेक्ट कंटेनर और वो जुड़े होते हैं वो उनका टेम्परेचर एक साथ ही बढ़ेगा, डेल्टा थीटा दोनों के लिए डिफरेंट, इज इट क्लियर, याद रहेगा। अब आएंगे दो जो असल एक्सपेरिमेंट है जो ज्यादा टेक्निकल है, वो है लेटेंट हीट फाइंड करना, ये फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों ही इसमें आ गए। नाउ लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट पहले हम आसान वाली करते हैं और वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट, एल से करते हैं बेटा, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं क्वेश्चंस हैं वो मैंने रिकॉर्डेड में शेयर किए थे, ऑल दो वो मैं ओ लेवल में बच्चों को हैवी इंजेक्शन लगा दिया करता, क्वेश्चंस वो उनमें से कुछ ए लेवल के, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्यू ओवर एम, तो क्यू का कोई वही फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर एम से डेटा। अच्छा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती क्या है, लेटेंट हीट होती है जब स्टेट चेंज होती है, और ये तब होती है व्हेन सॉलिड इज चेंजिंग इनटू एंड आल्सो व्हेन लिक्विड इज चेंजिंग इनटू, दोनों में होती है ये, वो रिकॉर्डिंग लेसन में मैंने मेंशन किया हुआ बेटा, आपने यू हैव टू गिव इट अ बिट रिस्पेक्ट, तो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब जो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, तो मेल्टिंग की सबसे जो इजी एग्जांपल है हमारे पास वो है आइस, मेल्टिंग आइस। तो हम पता क्या करेंगे, एक फनल ले लेंगे, आई गेस फनल इट इज कॉल्ड, तो उसमें ना हम मेल्टिंग आइस रखेंगे। अच्छा मेल्टिंग आइस का मतलब जो मेल्ट हो रही है उसका टेम्परेचर, जब लेटेंट हीट होती है ये हम करते हैं उस पॉइंट पर जब हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट पर स्टेट चेंज हो रही हो, टेम्परेचर चेंज, तो हमें एक ऐसी आइस चाहिए जिसका टेम्परेचर चेंज ना हो, बस स्टेट चेंज हो रही हो, वो मेल्टिंग आइस है। फ्रीजर से निकलने वाली आइस का टेम्परेचर जीरो, वो होता है जो फ्रीजर का होता है, तो हम मेल्टिंग आइस लें, ठीक है। तो हमने ये मास नोट करना है जो एक खास टाइम में हम इसमें हीटर रखेंगे, तो हमने ये नोट करना है कि एक खास टाइम में कितनी आइस मेल्ट होगी, तो उसका मास कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, नीचे ना हम एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखें, राइट, उस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर हम
बीकर रख देंगे, लाइक ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 सबसे टेक्निकल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कल ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, फिर हम परसों इंशाल्लाह आइडियल गैस स्टार्ट करेंगे, और वो आइडियल गैस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द थर्मल फिजिक्स, ठीक है, थर्मल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, फिर 4 या 5 चैप्टर हमारे रह जाएंगे। मैंने इस मतलब वो वीकेंड पे क्लास रखी थी, फिर शहरयार ही आया था मेरे ख्याल में, A2 की भी थी भाई, मैसेज देख लिया करें। तो अलबत्ता मैंने उसमें बहुत स्लो पढ़ाया था, हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया था, वो अलबत्ता वो क्वेश्चन उससे आगे गए थे, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, क्या था, ये सब हमने बहुत स्लो लेकिन डिटेल में पढ़ा, उसके फॉर्मूला, उसकी यूनिट की कन्वर्जन हमने उस दिन पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा जी, लेटर हीट अलबत्ता आप लोगों ने पढ़ लिया है बेटा जी। अब व्हाट इज हैपनिंग कि हम ना, हमने वो मैस चाहिए जो मेल्ट किया, तो क्या करेंगे हम, जो जो यहाँ आइस मेल्ट होती जाएगी तो लिक्विड का लेवल क्या होता जाएगा और मैस भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो बेटा हम पता क्या करेंगे, हम जब हीटर को ऑन करेंगे तो जो यहाँ मैस होगी ना, यहाँ रीडिंग, उसको वी विल टेक एज M1, और जब हम हीटर को ऑफ करेंगे तो उस वक्त का मास नोट करेंगे, वी विल टेक इट एज M2। तो जो हमारा M हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, M2 माइनस, अच्छा ये तो हमें Q बता देगा। अच्छा यहाँ ना Q का फॉर्मूला क्या है, वही VIT और T इंटू ये, हम हर बार 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 रिपीट कर रहा हूं। अच्छा यहां ना हम थर्मोमीटर भी रखेंगे भाई, इस फॉर्मूले में तो डेल्टा थीटा की जरूरत नहीं है, तो फिर थर्मोमीटर क्यों रखेंगे, टू मेक श्योर कि टेम्परेचर इज स्टेइंग कांस्टेंट, कैन यू रिमेम्बर, प्रॉब्लम रिजोल्व हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्यू भी आ गया, एम भी आ गया, लेकिन एक इश्यू है यार, अगर हम हीटर को ऑन ना करें, ऑफ रहने दें, तो क्या तब आइस मेल्ट नहीं होगी, तो फिर आप उस वक्त आइस को हीट कहां से मिल रही है, तो जब हमने हीटर ऑन किया था क्या उस वक्त सराउंडिंग पर्दा कर जाती है, तो तब भी तो हीट आ रही है। अब उस प्रॉब्लम को हम कैसे रिजोल्व करेंगे, मेरे बॉस की, अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम, इफ्तिखार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार साहब, आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई है ड्राइव के लिए, तो जी, अटेंडेंस वो क्यों आप मुझसे मांग रहे हैं? मैंने आपको क्रेसेंट की मेल पे डोमेन पे भेजा जी हुआ जी ना। जी मैंने उसी को क्लिक किया था, तो उसने आगे मुझे मैसेज भेजा था कि यू नीड टू सेंड रिक्वेस्ट देन यू विल गेट द परमिशन। आप अपने जीमेल अकाउंट से कर रहे हैं, आप क्रेसेंट के अकाउंट से करें? जी नहीं, क्रिश्चन के अकाउंट से, क्योंकि आपकी ईमेल आई ही उसी में। हाँ, तो उसमें तो मैंने दिया हुआ है आपके राइट, आई हैव गिवन यू एडिटिंग राइट्स। मे बी ना, अभी जो 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 आपकी मेरा नया क्वेरीज आ रही ईमेल है, बना ना, जो वसीम साहब ने मुझे दिया है, उसमें से ही देखिए, मैंने, आपकी जो रिक्वेस्ट अभी आ रही है मेरे पास, वो जीमेल की रेफरेंस से आ रही है। आपकी जीमेल डोमेन से मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैं उस पर एक्सेस दूँ आपको। अच्छा मैं रीचेक करता हूँ सर, आप जरा क्रेसेंट के डोमेन पे जाएं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। चलें ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूं, क्योंकि जो आपकी एक्सेस की रिक्वेस्ट आई है वो जीमेल के उसमें से आ रही है। चलें मैं चेक करता हूँ उसको। ओके, थैंक यू। रिकॉर्डिंग में आ गई, ओके लुक बेटा। अच्छा अब ना क्वेश्चन ये है कि अगर ना हम हीटर ऑन नहीं करते हैं, तब सर तब भी सराउंडिंग से हीट आ रही है, और हम जब हीटर ऑन करते हैं तो सराउंडिंग तो तब भी है ना, हीट तो तब भी आ रही है, तो
तो हाउ कैन वी मेक श्योर कि सराउंडिंग का इफेक्ट कम हो जाए? अब जरा ये सीखने वाली बात है, कल वाला ज्यादा टेक्निकल होना है इससे थोड़ा सा। वो ये होगा, हम पता क्या करेंगे, हमने हीटर के फॉर्म हम ना टाइम फिक्स कर लेते हैं। अब वो आपकी चॉइस है, 2 मिनट है 3 मिनट है, हम एक फिक्स टाइम ले लेते हैं। मैं वो तो मेरे ख्याल मुझे शक सा पड़ रहा है, क्वेश्चंस में 2 मिनट भी है, तो लेट्स से टाइम ना, या ये प्रोसेस स्लो भी होते हैं, आप टाइम मिनट्स में ज्यादा भी ले सकते हो, फॉर्मूले में सेकंड्स में ही रखना है। लेट्स से हमने 2 मिनट लिया, तो एक मरतबा ना हम देखेंगे विदाउट हीटर, यानी हीटर ऑफ, उसके मास में कितना चेंज आता है। अच्छा, ये डेल्टा एम वन खाली मास नहीं है, डेल्टा एम वन का मतलब वो 2 मिनट में देखना है कि बीकर की मास की रीडिंग कितनी इंक्रीज हो गई। तो वो सारा किस वजह से होता होगा? सराउंडिंग की वजह से। अच्छा, फिर जब हम हीटर को ऑन करेंगे, लेकिन दोनों मरतबा टाइम हमने क्या रखना है, वो सेम रखना है, ऑन करेंगे तो तब भी क्या होगा, तब जो इंक्रीज होगा। अब एक बार नोट करना, जब हमने हीटर ऑफ किया था तो उस वक्त ये जो चेंज था, दैट वाज ड्यू टू हीट कमिंग फ्रॉम, जब हमने हीट ऑन किया तो उस वक्त जो चेंज इन मास है वो हीटर की तरफ से भी आ रही है और अगर हम इन दोनों मैसेज को माइनस कर दें तो ये क्या हुआ? अच्छा, अगर दोनों मैसेज को माइनस कर दें, कल मुझे याद कराना, मैं रिपीट कर दूंगा ये पॉइंट। अच्छा, अगर दोनों मैसेज को माइनस कर दें, एटलीस्ट जो देख सकते हैं, तो उस वक्त जो मैस आएगा दैट विल बी प्योरली बाय हीटर, तो नाउ प्रॉब्लम विल बी रिजोल्व। कैन यू रिमेम्बर? राइट, चलो ये पॉइंट मैं कल भी डिस्कस कर दूंगा, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, होपफुली इट गेट्स